तो क्या लग रहा है कि क्या स्थिति है आप 2024 के चुनाव में आप लोग जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं? एकदम नरेंद्र मोदी जी ने 10.5 वर्षों तक इस देश में काम किया है, अब हम चुनाव के लिए तैयार हैं, चुनाव में जाएंगे और एक भी इंडी गठबंधन का खाता नहीं खुलने वाला। सीट बंटवारे पर मामला बन गया है इंडी गठबंधन पूरी तरह, वो सब बना हुआ है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, जिनके पिताजी की आज 28वीं जन्मदिन है और इस मौके पर एक भव्य आयोजन हो रहा है। सम्राट चौधरी जी हैं, बातचीत करना चाहेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है भारत लाइव। और एकदम सबसे पहले तो आपके पिताजी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं भारत लाइव की टीम। भगवान करे कि हमारी भी उम्र लगे और 188 वर्ष तक हम लोगों को आशीर्वाद देते रहे। सर, जिस तरीके से आप भव्य आयोजन कर रहे हैं, बिहार की राजनीति भी अब धीरे धीरे बदलती हुई नजर आ रही है। जो आप एक संकल्प लेकर आगे बढ़े हैं पगड़ी बांध के, अब लग रहा है कि पगड़ी खोलने का वक्त आ गया है। यह जनता को तय करना है, 2024 के चुनाव में बिहार की जनता इंडी गठबंधन के लोगों का खाता नहीं खुले, यही तो जनता का सम्मान बढ़ेगा। जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर स्थितियां बन रही हैं, एनडीए गठबंधन में आने को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, क्या लग रहा है सर, वापसी करेंगे क्या, घर वापसी होगी उनकी? नहीं, कोई गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार का नहीं होगा। आप लोग ईडी सीबीआई का दबिश दे रहे हैं झारखंड में, बिहार में तेजस्वी यादव लगातार कहते हैं कि जब जब चुनाव आता है ईडी सीबीआई की दबिश बढ़ जाती है। ईडी और सीबीआई 1997 से बिहार घूम रहा है, जब जनता दल की सरकार देश में थी और बिहार में थी। तो क्या लग रहा है कि क्या स्थिति है आप 2024 के चुनाव में आप लोग जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं? एकदम नरेंद्र मोदी जी ने 10.5 वर्षों तक इस देश में काम किया है, अब हम चुनाव के लिए तैयार हैं, चुनाव में जाएंगे और एक भी इंडी गठबंधन का खाता नहीं खुलने वाला। सीट बंटवारे पर मामला बन गया है इंडी गठबंधन पूरी तरह, वो सब बना हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत श्रेष्ठ होगा। चलिए, तो सम्राट चौधरी थे, इन्होंने कह दिया है कि जिस तरीके से बिहार में स्थितियां बदल रही हैं, राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहे हैं, ऐसे में सम्राट चौधरी का संकल्प है कि जो पगड़ी उन्होंने बांध रखी है, मुख्यमंत्री को हटाए जाने को लेकर जो चर्चाएं लगातार करते रहे हैं, उसमें उन्होंने इस पगड़ी का एक संकल्प लिया है और आज अपने पिता के 28वें जन्मदिन पर वो भव्य आयोजन पटना में कर रहे हैं। तमाम राजनीतिक दल के लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, चर्चाएं हो रही हैं। वो तस्वीर भी हम दिखा देते हैं जब इनके पिताजी जो शकुनी चौधरी हैं उनको बधाई देने के लिए तमाम जो लोग हैं वो पहुँचे हैं यहाँ पर और भव्य आयोजन कार्यक्रम भी इस वक्त चल रहा है। फिलहाल भारत लाइव के इस वीडियो में इतना ही, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।